नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN24 और मैं श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर घमापुर बाई का बगीचा स्थित शासकीय स्कूल निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरने से दो मजदूर घायल हो गए। अचानक काम करने के दौरान ये हादसा हुआ। एक मजदूर को आशीष हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और दूसरे मजदूर को भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है जो स्कूल है बाई का बगीचा में। हम लोग बहुत समय से बिल्डिंग बनते देख रहे हैं, आना जाना सड़क से होता है, लेकिन अभी अभी जब जानकारी मिली कि छज्जा पर जो मजदूर काम कर रहे थे, दो मजदूर छज्जा टूटने से ज़मीन के नीचे गिरे, एक छज्जे के नीचे दब गया था और एक दूसरी मंजिल से नीचे और नाले में चला गया था। दोनों की हालत बहुत गंभीर है। जब आकर यहाँ देखा गया तो जिस तरह का घटिया निर्माण दिख रहा है, ऐसा लगता है कि जो एजेंसी काम कर रही है, सरकारी एजेंसी जो अधिकारी हैं वो, और वो ठेकेदार जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, वो लोगों की जान लेने के लिए ही काम कर रहे हैं। अभी तो मजदूर गिरे हैं, अगर ये बिल्डिंग बाद में गिरती तो न जाने कितने छात्रों की, लोगों की जान जाती। इस तरह का घटिया निर्माण करने वालों की न सिर्फ जाँच हो, तत्काल इनके ऊपर FIR करनी चाहिए और जिस अधिकारी ने बिल्डिंग बनने की परमिशन दी है, जिसके सुपरविजन है बिल्डिंग बन रही है, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों में संदेह जाए। बहुत खतरनाक निर्माण हमने देखा है, शायद जान किसी की बच पाए। जानकारी है कि अत्यधिक गंभीर लोग हैं जिनका ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। हमारी वार्ड के अंतर्गत बाई के बगीचा छोटी मॉडल स्कूल बुनियादी स्कूल के नाम से है। ये बच्चों का स्कूल बन रहा था 4 मंजिल, जिसके घटिया निर्माण के कारण पूरा एक छज्जा जो काफ़ी 20 फीट करीब लंबा है, तो पूरा एक छज्जा गिरा जिसमें मजदूर दब गए, एक नीचे और एक दूर जाके नाले में गिरा। दोनों की अत्यधिक हालत ख़राब है, जबलपुर हॉस्पिटल में दोनों एडमिट हैं, शायद ऑपरेशन चल रहा है। शिक्षा विभाग का ये स्कूल है जो बहुत घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा है। यहाँ की जनता बड़ी गंभीरता से सोच रही है कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है जहाँ निश्चित नहीं है कि कब क्या हादसा हो जाए। अभी निर्माण ऐसा है तो बाद में क्या होगा। हम सब चाहते हैं कि जिस विभाग के अंतर्गत ये स्कूल बन रहा है, जिस इंजीनियर की देखरेख में स्कूल का काम चल रहा है और ठेकेदार का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आने वाले भविष्य में ऐसा निर्माण ना हो कि जनहानि हो। आज छज्जा गिरा है, मजदूर घायल हुए हैं, कल भविष्य में बच्चे जो देश का उज्ज्वल भविष्य होते हैं, कल उनके जान पर बना आएगी। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो मजदूर घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। मजदूरों की स्थिति बड़ी गंभीर है। जबलपुर हॉस्पिटल में एक मजदूर है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा आशीष हॉस्पिटल में है जिसका भी ऑपरेशन चालू होने वाला है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा 2 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बार की हड़ताल में छत्तीसगढ़ के 94 संगठन हड़ताल पर डटे हुए हैं। पिथौरा में हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 2 सूत्रीय मांग 34% DA साथ ही सातवें वेतन मान के आधार पर मकान किराया भत्ता देने की मांग राज्य सरकार से की जा रही है। तो वहीं महिला अधिकारियों कर्मचारियों ने कहा कि तीज का त्योहार आने वाला है, हम मुखिया से मांग करते हैं कि हमारी झोली भर दे। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, हमारी तरफ से पहले तो ढेरों उनको बधाई दे देते हैं। लड़ाई अपनी जगह है और हम छत्तीसगढ़ की नारी है, हमेशा देना जानते हैं और हम अपने ना कैसे मुखिया से चाहते हैं कि आज हमारी झोली भर दे, आंचल भर दे, है ना। हमारा तीजा पूरा आने वाला है, हम खुशी खुशी अपने मायके जाएंगे और उनको ढेरों दुआएं देंगे, ये हमारा हक है। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, अतिरिक्त हमने कोई मांग नहीं रखा है। हमारा जो है HR और DA हमको दे दे, जो जायज हमारी मांग है, हमने अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा है उनसे, ये जायज है, देंगे तो शायद आज अगर शाम तक ही हो जाए फैसला तो हम खुशी खुशी अपनी रणनीति बदल देंगे, नहीं तो फिर अनिश्चित कर लेंगे। शासन ने हमें मजबूर किया है, उन्होंने ही हमें हड़ताल के लिए मजबूर किया है, क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है। जायज हक के लिए तो लड़ना ही चाहिए। हमारा संगठन एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, अगर हमको छेड़ोगे तो डंक देंगे, हमारे हित में करोगे तो मधु रस देंगे, बस इतने कहना चाहते। आप सर्वप्रथम आप अपना परिचय देंगे और किन विषयों को लेकर आप ये आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन का रूप क्या है, विस्तार से बताएंगे। सर, मेरा नाम मुकेश साहू है, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, और हम ये आंदोलन जो है हड़ताल 4थे चरण पे हैं
जो कि अनिश्चितकालीन है, और हमारा मुख्य दो ही मांग है, एक डीए और एचआरए। डीए जो कि हम लोग को अभी 22% ही मिल रहा है, अभी उसको 34% लाने के लिए हमारे द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। और जो एचआरए की मांग है वो पुराने वेतनमान के स्वरूप ही दिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी महंगाई का जो दौर है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है, तो आप स्वयं ये कल्पना कर सकते हैं कि एक आम आदमी 600-700 रुपये में कोई कहीं पे भी रूम किराया नहीं ले सकता। अभी आप खुद जाएंगे तो 2,000, 3,000 या 5,000 तक अच्छे घर आपको मिलेंगे। तो हमारी मुख्य मांग वही है कि ये हमको मिले 34%, और एचआरए जो है हमारा नवीन वेतनमान के अनुरूप ही मिले, सातवें वेतनमान के अनुरूप ही। मांग पूरी न होने पर आगे की क्या रणनीति है? आगे सर वही रणनीति है, हमारे जैसे भी निर्देश मिलेगा, प्रांतीय स्तर के निर्देश है, उनका पालन किया जाएगा, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। खबर दमोह जिले के बटियागढ़ अंतर्गत ग्राम कैथोरा, सिहेरा, पेमू, सकतपुर, हरौरा में आज भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत बटियागढ़ से जिला सहमंत्री श्री राम पटेल, बटियागढ़ तहसील अध्यक्ष राजकुमार सिंह व कृषि किसान भाई हनुमत सिंह, विजय सिंह, राजेंद्र यादव के द्वारा फसल का निरीक्षण किया गया, जिसमें लगातार 3 दिन से अतिवृष्टि होने के कारण से उड़द, मूंग और कहीं कहीं बहाव के कारण से सोयाबीन की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आज हम ग्राम सहरा में आए हैं और यहाँ पर पूरे क्षेत्र में हमने देखा है कि बहुत सी फसलें डूब में आई हैं, और लगातार जो 3 दिन अतिवृष्टि हुई है हमारे क्षेत्र में, पूरे दमोह ज़िले में, और जिसमें हम बटियागढ़ तहसील के सहरा ग्राम में आए हैं, यहाँ पे बहुत अधिक फसलें डूब में आई हैं और अधिकतर 90% उड़द की फसल यहाँ पर बोई गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति किसानों को देखने में आई है। और मैं भी अभी इस खेत पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। मूंग की फसल थी, डूबने के कारण पूरी तरह ये नष्ट हो गई है और इसमें एक भी दाने की आशा नहीं दिख रही है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे किसानों को उनकी राहत की राशि मिल सके और किसानों को बीमा का क्लेम भी मिल सके। श्री राम पटेल, भारतीय किसान संघ, जिला मंत्री, दमोह। निरीक्षण में कौन कौन उपस्थित हैं? निरीक्षण में हमारे यहाँ सहरा गांव से किसान भाई उपस्थित हैं, और हमारे बटियागढ़ तहसील के तहसील अध्यक्ष सम्माननीय श्री राजकुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं। भाई साहब, हनुमत सिंह, आप राजेंद्र यादव और विजय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां समुदाय विशेष के दबंगों ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। 20 अगस्त को समुदाय विशेष के दबंग रात्रि में नाबालिग किशोरी का कार से अपहरण करके ले गए थे। पीड़ित किशोरी के अनुसार शादाब, उसका भाई वसीम, बबीता बसीर घर से उसे उठा ले गए थे। आपको बता दें कि पीड़ित पिता द्वारा बीते दिन थाना मऊ दरवाजा में तहरीर दी गई थी। क्या मामला हो गया आपके साथ? हम मम्मी पापा नीचे लेते थे और हम छत पे लेते थे, और इन लोगों ने, घर से 3 लोग आए थे, इन लोगों ने निकाल लिया और कार में डाल लिया और ले गए थे। और फिर हमने बोला कि हम अपने घर पे जाएंगे, घर पे नहीं जाए, और कुछ पता नहीं क्या चला रहा है। और फिर मम्मी पापा को गालियाँ दे रहे थे, चमट्टा हमारा क्या करेंगे। और फिर इन्होंने स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे बैठा दिया कि जाओ अपने घर जाओ, इनकी माँ ने बैठा दिया हमें घर पे। कौन लोग थे? वो हथियापुर के थे, शादाब। हाँ। कौन कौन थे? उनके भैया थे और पापा थे और वो थे साथ। कब लेके गए? हम ये 4 बजे संडे की रात में। कौन सी गाड़ी वगैरह कुछ याद है? किससे? हाँ, आपको फोर व्हीलर थी। हम गाड़ी का नंबर नहीं पता। अच्छा, कैसे ले गए थे आप? मतलब हम सो रहे थे बैठ के अपने ऊपर वाली छत पे, इन लोगों ने कुंडी खटखटाई, हमने खोला होता है, इन लोगों ने डाल लिया और मुंह में कपड़ा घुसेर दिया। इसके बाद कहीं कहाँ ले, कुछ याद है आपको कहाँ कहाँ? हथियापुर ले गए थे अपने घर। कब तक रखा आपको? हमको 3 दिन तक रखा और मुझे कल दे दिया बस स्टैंड। कुछ गलत काम किया आपके साथ? जी किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पुलिस का जबरदस्त सराहनीय कार्य सामने आया।
जहां लगभग एक सप्ताह पूर्व अपहरण हुए 18 माह के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया गया, जिसमें 3 अपहरणकर्ताओं सहित 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार सूचना मिलते ही हापुड़ SP दीपक भूकर की पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई थी, जिसमें उसको सफलता मिली है। ये बच्चा आपको मिला है, कैसे गायब हुआ था? हम जिद्दी घर का हाईवे के किनारे पर रहते हैं, तो मैं इसे सोते हुए उठा दिया गया। फिर आपने उसके बाद आप पुलिस के पास पहुंचे होंगे? हाँ, पुलिस के पास पहुंचे हैं, तो 8 दिन में कोई जवाब नहीं मिला। 8 दिन के बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ शनिवार के दिन, तो अब 3 दिन बाद मेरा बच्चा है, आज मिल गया। आपका बच्चा मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस वालों ने बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने भूल कर दिया। देखिए, ये दिनांक 14/28 को गढ़मुक्तेश्वर थाना पे ये सूचना मिली थी कि राखी जो वादिनी है, उनके बच्चा 1 साल 8 महीने का जो बच्चा था वो घर से गायब हो गया। उसमें तुरंत FIR दर्ज करके इसमें 3 टीमें गठित की गई थी। आज पुलिस के द्वारा इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो इनसे पूछताछ 6 अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है, उसमें ये चीज़ संज्ञान में आई है कि जो 3 लोग हैं इसमें, एक रोहतास है जो कि अमरोहा का रहने वाला है, दूसरा अवधेश वो भी अमरोहा का ही है, और तीसरा इसमें ओमदत्त जो कि एक दूसरे के परिचित भी हैं। इन तीनों के द्वारा इस बच्चे को चोरी किया गया था। उसके बाद 2 जो मीडिएटर थे, रिंकू और विपिन, जो कि जनपद संभल के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से इन्होंने, एक वैभव शर्मा नाम का व्यक्ति था जो कि काशीपुर थाना कोतवाली, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, उसको ये बच्चा इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेचा था। तो ये पूरा जो 6 अभियुक्त हैं पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम लवकुश है, उसकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, तो उसके लिए भी पुलिस के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और जल्द हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या बच्चा चोर गिरोह है? देखिए, अभी जो अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा ये एक ही जो घटना है वो कारित करना बताया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अगर और कोई फैक्ट्स भी हमारे सामने आए तो उसमें भी हम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। इनसे क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, इनसे एक जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था बच्चे को, क्योंकि इन्होंने बच्चे को हैंडओवर करने के लिए एक गोदनामा बनाया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें मिला है। बाकी 2.5 लाख रुपए का इसमें लेन देन हुआ है, उसके लिए भी पुलिस बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। तो पुलिस को कोई इनाम दिया गया? इसमें जो पुलिस टीम जिसने बरामदगी की है बच्चे की, उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया गया है। खबर आ रही है झारखंड से, जहां पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह जिला प्रभारी मंत्री ने चतरा संग्रहालय स्थित समकक्ष में जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बैठक में चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने पुष्प गुच्छ एवं पौधा देकर सम्मानित किया। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन विभाग के योजनाओं के बेहतर संचालन और लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने को लेकर विभागवार चर्चा की गई। सभी विभागों की बारी बारी समीक्षा की गई और सभी के उपरांत संतोषजनक कार्य पाए गए, लेकिन जहां जहां जो कमियां थी, जो त्रुटियां थी, उसको दूर करने का निर्देश दिया गया। किसी चीज जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनता के द्वारा के लिए लाई जा रही हैं, कुछ धरातल पर उतरे, इसका पूरा ध्यान संबंधित पदाधिकारी रखे, इसका कड़ा निर्देश दिया गया है। आज पहली बैठक थी, इसलिए जहां जो कमियां थी उनको, उनसे अधिकारियों को अवगत कराया गया कि अपनी जिम्मेदारी को आप भली भांति समझें और जनता को जो योजनाएं जनता के लिए लागू की गई उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल सके और विकास योजनाएं भी तेजी से चलाई जाए।
ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि हमें इस राज्य को के ऊपर जो एक कलंक है कि पिछड़े राज्य का, उस कलंक को हम धो सकें और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे राज्य के और जिले के अधिकारियों की है। चतरा जिले के उपायुक्त आज अभी नए उपायुक्त आए हैं, इनके कार्यशैली काफी सराहनीय रही है तीनों जिलों में और हमें उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में चतरा में तेजी से विकास के सभी काम होंगे और जनता के हितों के लिए जो योजनाएं लागू की जा रही है उसका जनता को लाभ मिलेगा। सर, चतरा में पेयजल की काफी संकट है और यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी गली गली खोल करके छोड़ दिया है, अब पानी अब तक कहीं नहीं पहुंचा है। देखिए, आप चतरा जिले की बात कर रहे हैं, चतरा शहर की बात कर रहे हैं, ये पहले तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। शहर की बात है, चतरा शहर का की जो योजना है उसका क्रियान्वयन जुटको के द्वारा, जो नगर विकास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा कराया जा रहा है और उसमें शिकायत मिली, मैं अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री विभाग के मंत्री हैं और इनके विभाग के सचिव को मैं अवगत कराऊंगा इस योजना के जनित प्रगति के बारे में और हमारे विभाग जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही है उसमें भी कमियां पाई गई हैं, हमने कड़े आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के गांव शुक्लापुर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पहलवान सती प्रसाद की पांचवी पुण्यतिथि पर बाहर से आए हुए पहलवानों ने कुश्ती में अपने दांव पेश दिखाए। वहीं महिला पहलवान भी कुश्ती में भाग ली। पहलवानों में हिमाचल प्रदेश, कन्नौज, इटावा, उन्नाव, मेरठ, गोरखपुर, दिल्ली, झांसी, अमृतसर, गुजरात के लोग शामिल हुए। वहीं मल्लावा हरदोई से आए हुए पहलवानों ने अपने अपने दांव पेश का कर्तव्य दिखाया। हाँ, भाई क्रम में एक पारी नहीं निकलेगी, आज की पारी के देखने में पारी निकाले वाले बन जाएंगे, बनाइए जोरदार पारी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TGN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।